और एकदम मस्त हूँ, सेफ हूँ। आप कैसी हैं? बहुत हेक्टिक शेड्यूल अभी भी चल रहा है, और दो प्रोफेशन होने की वजह से क्या होता है कि खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई मतलब, और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है ना समीर, जब अपने अपनी औलाद से मुलाकात ना हो पाए, तब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो मेरे ख्याल से मैं काफी 7-8 महीने से अपने बेटे से नहीं मिल पाई हूँ। इवन उसके बर्थडे में भी मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए उससे मिलने के लिए गई थी। वो बहुत तकलीफ देता है मुझे, क्योंकि एक माँ हूँ मैं, तो अपने कर्तव्यों का पालन करते करते कहीं ना कहीं माँ होने का जो एक का कर्तव्य है वो पीछे छूट जा रहा है, तो उसके लिए मुझे कभी कभी निराशा हो जाती है। देखिए, मैं एक माँ तो नहीं हूँ लेकिन एक बाप जरूर हूँ, और आपका ये जो दुख है ना, वो आई थिंक इस वक्त मैं सबसे अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी औलादों से पिछले 3 साल से दूर हूँ सिस्टर। और मैंने अपनी बेटी को जब लास्ट टाइम देखा था तो वो इतनी छोटी सी थी कि वो मेरे हाथ के ऊपर, मेरे पास एक फोटो है, मेरे हाथ के ऊपर वो सर रख करके आराम से सुकून से सोई हुई है। आज मुझे जब उसके कभी कभी फोटोज मिलते हैं देखने को, तो वो इतनी बड़ी हो गई है, तो मैं सोचता हूँ कि क्या ये मेरी वही छोटी सी गुड़िया है जिसको मैं खिलाया करता था। तो पिछले 3 साल से मुझे मेरे बच्चों से मिलना नसीब नहीं हुआ है, और ये दुख, ये तकलीफ रोजाना लेकर के मैं रात को सोता हूँ और सुबह इसी दुख के साथ अकेला उठता हूँ। Why this has happened with ex-Muslims? ये देश तो संवैधानिक देश है, कोई इस्लामिक देश तो है नहीं। देखिए, बात यह है कि आप इस्लाम में हैं और आप अंदर से चीज़ों को रिफॉर्म करने की और लोगों को समझाने की और उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रही हैं। हम लोग इस्लाम के अंदर थे, हमने भी ये ज़िंदगी जी है और ये सब फेस किया है। आप तो बाहर हो गए। इस्लाम के मानने वाले चाहे दुनिया में कहीं भी रहें, इट डजेंट मैटर कि वो इस्लामिक देश में रह रहे हैं, इस्लामिक शरा में रह रहे हैं, या फिर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में रह रहे हैं सिस्टर। लेकिन उन लोगों का सबसे पहला, उन लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी अगर कुछ है तो वो सिर्फ इस्लाम है। देश के कानून, देश देश की व्यवस्था और ये सब चीज़, देश की लोग, ये सब बहुत बाद में आते हैं, यू नो वेरी वेल। और यही जो एक माइंड सेट है, यही जो एक थिंकिंग है, वो इस्लाम को जो है बाकी अकीदों और बाकी मजहब से अलग करती है। नहीं, ऐसा है समीर कि देखो, बिल्कुल हर हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई रिलीजन, कास्ट, मजहब होता ही है ना। लेकिन अगर अल कुरान के हिसाब से भी लिया जाए तो इंसानियत की बातें तो लिखी हुई है ना हमारे अल कुरान में। सूरह अल काफिरून तो बताता है ना कि किसी को फोर्सिबली आप कन्वर्शन नहीं करा सकते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन तो बताता है ना कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। कुरान का पहला वर्ड जब इकरा का आया तो शिक्षा के बारे में बात कही गई है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में एक अजीब सा मुसलमानों के बीच में और इस्लाम के मानने वालों के बीच में बंटवारा सा हो गया है। जो संवैधानिक मुसलमान है, ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम नहीं मान रहे हैं या अल कुरान नहीं मान रहे हैं। अब मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि मेरी मेरी पूरी फैमिली जो है वो अरब से लेकर के भारत तक में, हम लोग बहुत बड़ी फैमिली से हैं। मतलब बड़ी मतलब रिच नहीं, बड़े गरीब लोग हैं हम लोग, लेकिन सदस्य बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि मैं अरब जब भी मैं यूएई जाती हूँ या मैं अबू धाबी जाती हूँ तो दिन खत्म हो जाते हैं पर रिलेटिव से मिलना खत्म नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग को बहुत रिफॉर्म मुसलमान है। हमारे यहाँ वो शबे बारात में हलवा नहीं बनता है अगर बत्ती नहीं जलती है। हमारे यहाँ शबे बारात में पटाखे नहीं जलते हैं। हम पक्के कब्रिस्तान नहीं बनाते हैं। हम सिर्फ ईद, रमजान और बकरीद को भी ईद की तरह मनाते हैं। मेरे घर में बकरीद में कुर्बानी नहीं होती है, हम नहीं करते हैं, हम ईद की तरह उसको मनाते हैं। तो ये जितने भी रिचुअल्स हैं, ये एक्चुअली में रिचुअल्स हैं। इसको जबरदस्ती मुसलमानों ने अपना बना लिया है। आज अगर मुसलमानों से ये पूछा जाए कि क्या अल कुरान के 30 पारे में 72 वर्जिन हूरों का जिक्र है, मैंने कई बार नेशनल न्यूज पर पूछा है, नहीं है जिक्र, नहीं है अल कुरान में जिक्र। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग।
जितनी नंबरिंग के पेचीदगी, मामले में आप सही हैं, नंबरिंग का जिक्र नहीं है कि कितने हैं, बट हूरों का जिक्र तो है, 78 की 33 में है, सूरह वाकिया में है, लेकिन नंबर्स नहीं बताए गए। ये जो 72 का आप नंबर कह रहे हैं, एग्जैक्टली ये मेंशन नहीं है। तो ये तो अपने से दिमागी मतलब उपज है ना मुसलमानों का, ये तो अपने से उन्होंने क्रिएट कर दिया है ना। अब कुरान तो पढ़ने के लिए भी बोल रहा है पर पढ़ते कहाँ है, कुरान तो मजार परस्ती भी मना कर रहा है पर कहाँ मानते हैं, कुरान तो पक्के कब्रिस्तान भी मना कर रहा है पर कहाँ मानते हैं, अल कुरान तो फिरका परस्ती भी मना करता है पर कहाँ मानते हैं, नहीं मानते हैं। हम 72 फिरकों में बटे हुए हैं और सबसे ज्यादा सुन्नी मुसलमान में डिक्टेटरशिप आ चुकी है, वो शियाओं को मानने को तैयार नहीं है, वो गोरी को मानने को तैयार नहीं है। भाई जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो सब मुसलमान है, इसमें इसमें फिरके में बटने की क्या जरूरत है, जब कुरान खुद कह रहा है कि कोई भी फिरके में नहीं बट सकता है तो फिर बटने की जरूरत क्या है। पर जो मुसलमान अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान कह रहे हैं, जब वो खुद अल कुरान की बातें नहीं मान रहे हैं तो फिर वो आपको डराने वाले कौन होते हैं? देखिए सिस्टर, इस पर मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा और जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो बातें आपने कही हैं उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको एक्चुअली आंसर करना चाहूँगा। एक तरीके से जो आप कह रही हैं, जो बातें आप बोल रही हैं वो सही है। किस तरीके से सही है? वो एक फेज़ है कुरान का। एक्चुअली कुरान जो है ना वो सिर्फ एक फेज़ में नहीं है, कुरान एक्चुअली दो फेज़ में है, ये आपको समझना होगा। एक मक्की मक्की इस्लाम है, एक मक्की कुरान है और एक मदनी कुरान है, मदनी इस्लाम है। तो जिस जिस इस्लाम की और जिस कुरान की आप बात कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली मक्की कुरान एंड मक्की इस्लाम। लकुम दीनुकुम जो है वो मक्का में आयत नाजिल हुई है, जहां पर लोगों ने जब ये कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपका एक खुदा है अल्लाह जिसका नाम है और आप उसकी इबादत करते हैं, ठीक है आपकी, जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो है हम उसकी इबादत करते हैं, अब उसको बुरा बोलते हैं। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, 6 महीने हम आपके खुदा की इबादत कर लेते हैं, 6 महीने आप हमारे खुदा की इबादत कर लीजिए। तभी ये आयत नाजिल, ये सूरह नाजिल हुई है, कुलिया अय्युहल काफिरून, कह दीजिए कि ए काफिरो, ला अबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदु मा आबदतुम, वला अंतुम आबिदुना मा आबुद, और ना मैं उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी जिन 3 सुपरसेट आइडल की तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं करूंगा, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ एक खुदा की उसकी तुम इबादत नहीं करोगे। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तो तुम तुम्हारे दिन पर और मैं मेरे दिन पर, यानी तुम अपने 365 को पूजो, मैं अपने खुदा को मानूंगा। ये इस आयत का शाने नुजूल है। लेकिन नाजिया जी, इस इस्लाम को अगर आप फॉलो कर रही हैं तो ये अपनी जगह पर सही है, क्योंकि ये मक्के इस्लाम है। अब जो आप जिन लोगों की बात कर रही हैं कि वो लोग इस इनको क्यों नहीं मानते, वो इसको इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसके बाद आया है मदनी इस्लाम, और वहां पर एग्जैक्टली आयतें मेंशन करती हैं, इन दीन अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम है। अगर अल्लाह के नजदीक दूसरा कोई दीन है ही नहीं सिवाय इस्लाम के, तो मुसलमान इस्लाम के मानने वाले किसी और को कोई और दीन मानने की इजाजत देंगे किस बेस के ऊपर? क्योंकि अल्लाह ने तो क्लियर कर दिया कि अल्लाह के नजदीक तो दूसरा कोई दीन है ही नहीं, सिर्फ इस्लाम है। तो वो इस आयत को मानते हैं नाजिया बहन। दूसरा जो आप कह रहे थी अभी के ये रिचुअल्स हैं, कुर्बानी करना रिचुअल्स है, हम लोग तो ईद को ईद की तरह मनाते, बहुत अच्छी बात है, आप कुर्बानी नहीं करते ये भी अच्छी बात है, सूरह फातिहा नहीं करते, कुरान खानी नहीं करते, ये खैर इस्लाम के मुताबिक भी ये गलत है, पीर मजार कुरान खानी ये सब इस्लाम के मुताबिक कुरान के मुताबिक गलत है, आई एग्री विद दिस, और ये कहीं भी अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि शिर्क करना सबसे बड़ा गुना है, अल्लाह सारे गुना माफ करेगा लेकिन शिर्क का गुना माफ नहीं करेगा। तो ये भी तो एक तरह का शिर्क है कि आप मजारों पर जाकर के उनसे दुआएं कर रहे हैं, चादर पोशी कर रहे हैं, आप कुरान खानी कर रहे हैं, आप फातिहा खानी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एग्री विद दिस। लेकिन आप ये जो कह रही हैं कि हम कुर्बानी नहीं करते, देखिए इस्लाम को जो है ना, इस्लाम खुद बल्कि खुद कुरान इसको दीने इब्राहिम ही कहता है, 3 की 67 में, 3 की 67 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ कहा गया है, मा काना इब्राहिम यहूदी वाला नसरानी,
वहां मिल का नहानी फन मुसलिमन, कि ना तो इब्राहिम यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो तो हनीफम हनीफ मुस्लिम थे, यानी कि सच्चे मुसलमान थे। तो अब यहाँ पर कुरान ने ये वादा कर दिया है कि पहला जो मुसलमान है कुरान के मुताबिक वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, तो जो पहले अल्लाह के दिन पर ईमान लेकर के आया, अल्लाह का जो शरीयत है उस पर ईमान लेकर के आए, तो अब इब्राहिमी ही दीन है इस्लाम, तो इब्राहिम की सुन्नत को कैसे तर्क किया जा सकता है जबकि कुर्बानी करना इब्राहिम की सुन्नत है। देखो बहुत नॉर्मल है समीर, के मैं किसी जानवर को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। आपकी बात सही है, आपके अंदर इंसानियत है, लेकिन मैं अभी यहाँ बात आपकी और मेरी थिंकिंग की नहीं कर रहा हूँ। इवन मैं जब मुस्लिम था, मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं पिछले 15 साल से वेजिटेरियन हूँ। When I was Muslim, सबसे पहले तो ये तुम अपनी जुबान से निकालो कि मैं जब मुस्लिम था। अब तुम कहो कि तुम एक इंसान हो और एक संवैधानिक भारत के व्यक्ति हो, भारत के सिटीजन, ये कहना स्टार्ट कर दो अब। Exactly, वो मैं हूँ, लेकिन मुस्लिम का मतलब ये होता है कि जब आप फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को। लेट मी कंप्लीट। अगर कोई रिलीजन कोई नहीं मानता है और अगर वो संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखता है, अपने सर मत्थे रखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मदनी इस्लामी बिल्कुल नहीं है। समीर देखिए, मैं मक्का मक्का मुअज्जम और मदीना मुनव्वरा को ही मानूंगी, मैं मजार नहीं मानूंगी, मैं अल्लाह का इस्लाम मानूंगी। किसी भी मुल्ला की जरूरत मुझे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं जब फ्लैट लेती हूँ तब एक ब्रोकर की जरूरत होती है, जब मुझे अल्लाह से कुछ मांगना होता है होगा तो फिर मुझे किसी दलाल की क्यों जरूरत पड़ेगी। अल्लाह जाने बंदा जाने, है ना, किसी बीच में दलाल की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सेकेंड थिंग इज के मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश के हर मुसलमान संविधान को खूबसूरती से मानना स्टार्ट कर दे तो उनके उनका वजूद बहुत खूबसूरत हो जाएगा भारत में। अगर एक्चुअली में मुसलमान मुसलमान का भला कर रहा है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बर्बाद नहीं होता, सीरिया बर्बाद नहीं होता, लीबिया बर्बाद नहीं होता, ये सारे देश जो मुस्लिम देश हैं वो बर्बाद नहीं हो रहे होते। आज अगर वाकई में मुसलमान मुसलमान की भलाई कर रहा होता, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी बड़ी मशक्कत में आ गई है, बड़ी दिक्कत में आ गई है, मैं देखती हूँ, जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक व्यक्ति जो वोट देता है, मतदान देता है, संविधान को मानता है, संविधान के सारे आर्टिकल्स को मानता है, वो अपनी जिंदगी को इतनी दिक्कत में क्यों रखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में मुसलमान इस्लाम को मानते तो क्या मुसलमान बेटियां 3 तलाक का शिकार होती? क्या वाकई में मुसलमान अगर मुसलमान से मोहब्बत करते तो क्या मुसलमान बेटियों का हलाला होता? अगर वाकई में मुसलमान मुसलमान से मोहब्बत करते तो क्या 10 साल की 12 साल की बच्चियों का निकाह 50-50 साल के आदमी से होता? अगर वाकई में मुसलमान मुसलमान से मोहब्बत करते तो क्या कोई बाप अपनी बेटी को चौथी बीवी बनवाता किसी मुसलमान मर्द का? अगर वाकई में मुसलमान मुसलमान से बे इंतहा मोहब्बत करते तो क्या अपने घर की बेटियों को शिक्षित ना करते? अगर वाकई में मुसलमान मुसलमान से मोहब्बत करता तो क्या मुसलमान अपने बच्चों को मदरसा भेजने के बजाय स्कूल ना भेजता? अभी देखिए ना, अभी मेरे टेबल पर ही वो सारी फाइल्स रखी हुई है, एक मौलाना साहब ने एक 9 साल के बच्चे का रेप कर लिया है, लड़के का, रखी हुई, मैं सब रेडी करके रखी हुई हूँ। आप सोचिए कौन सा मुसलमान है? कुछ ऐसे मुसलमान हमारी जिंदगी में, हमारे आसपास में और इस देश में रह रहे हैं जो मुसलमान का भला कभी नहीं चाहते हैं। अब सोचिए, मैं मदनी साहब के बारे में बोलना चाहूंगी कि वो कैसे बेहूदगी से बेशर्मी से औरत को खेत बोलते हैं और नेशनल न्यूज पर बोलते हैं। ये मेरी शब्दावली नहीं, एक औरत होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब हमारी प्यूबर्टी के बारे में, हमारे पीरियड्स के बारे में मर्द बात करते हैं, यहाँ तक के पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं, कैमरा के सामने बात करते हैं। और पहले मैं भी बहुत हिचकिचाती थी रिप्लाई देने में, मुझे बड़ा शर्म आता था कि वो प्यूबर्टी की बात कर रहा है कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, जब लड़की का पीरियड्स हो जाए तो उसका निकाह होना चाहिए, ये इस्लाम कहता है। मुझे उनका रिप्लाई देने में बहुत बुरा लगता था पहले कि मैं कैसे रिप्लाई दूं, एक शर्म जो है ना वो मुझे पीछे खींचती थी। फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं रिप्लाई नहीं दूंगी तो इनकी बात तो धीरे धीरे लोग सच समझने लगेंगे। तब मैंने रिप्लाई दिया कि मौलाना साहब हमारा सलवार देखना बंद कर दीजिए हमारा सलवार देखना,
और आप जबरदस्ती हमारे कलेजे पर दाल मत मूंगिए और हमारे ठेकेदार मत बनिए, हमारे माँ बाप काफी हैं हमारे ठेकेदार बनने के लिए, आपसे कोई सजेशन नहीं मांग रहा है। अभी हालिया में देखिए कि दारुल उलूम देवबंद में मदनी साहब ने फतवा जारी किया और उन्होंने मुसलमान हिजाब वाली बेटियों को भी उन्होंने दारुल उलूम में एंटर करने से बैन करवा दिया। क्यों भाई? तो उन्होंने क्या कहा है, उसका रिपार्केशन क्या दिया है कि लड़कियां आती हैं और यहाँ पर रील्स बनाती हैं, यहाँ पर वीडियो करती हैं। अब मेरा दो सवाल था इस पे, सारे चैनल्स पे मैंने बोला है कि जब हम मक्का मदीना जाते हैं तो भी हम वहां पर भी वीडियो होता है, फोटोज लोग लेते हैं, रील्स भी बनाते हैं और अपने सोशल साइट पर डालते भी हैं। तो जब हमारे सबसे अफजल अरकान अपने सबसे पाक मुकद्दस जगह पर मक्का मुअज्जम और मदीना मुनव्वरा में हम फोटोज ले सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, वहां पर कोई आपत्ति नहीं है, तो आखिर दारुल उलूम के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो बाहर लोगों को दिख ना जाए, इसके लिए आपने बेटियों को बैन कर दिया। द सेकेंड थिंग इज समीर के मदरसे के लिए आज तक लोग लड़ रहे हैं, मुसलमान लड़ते हैं आज तक, सरकार से लड़ते हैं, राज्य सरकार से लड़ते हैं, हम जैसे लोगों से लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? सरकार का काम मुल्ला बनाने का कभी नहीं था, कभी भी नहीं था, ना ही 1947 में था और ना ही 2024 में है। ये काम सरकार का नहीं है। मुसलमान फैमिली, मुस्लिम कम्युनिटी अगर सरकार से ये कहे कि मेरे बच्चों को आप इंजीनियर डॉक्टर बनाइए, मेरे बच्चों को आर्मी ऑफिसर बनाइए, मेरे बच्चों को मरीन इंजीनियर बनाइए, नेवी बनाइए, मैं उनके पक्ष में उनके बगल में जाकर के खड़ी हो जाऊंगी और उनके पक्ष में बात करूंगी कि हाँ ये सही कह रहे हैं। पर मदरसे के लिए इतनी जिद क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम फैमिली के उन माँ बाप को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए जो अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं दीनी तालीम के लिए। आज अगर मैं अपने खुद के बेटे को, मैं विडो हूँ और सिंगल मदर हूँ, बहुत कम उम्र में मैं बेवा हुई, तो लेकिन मैंने अपने बलबूते अपने बच्चों को पाला बहुत कम उम्र से लेकर अब तक, में उसको अच्छी शिक्षा दी, अच्छी परवरिश दी, लेकिन साथ साथ दीनी तालीम भी दी मैंने अपने बेटे को, बिल्कुल दी है मैंने। समझेगा नहीं, बूझेगा नहीं, डीप डाउन नहीं जाएगा, डेप्थ में नहीं जाएगा तो उसको पता कैसे चलेगा? कुछ भी करने के लिए हमें या कुछ भी समझने के लिए हमें उस चीज के बहुत डीप में जाना पड़ता है, तभी हम समझ पाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो मुसलमान माएं, वो मुसलमान पिता जो अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए मदरसा भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने अलकुरान नहीं पढ़ा है, उन्होंने अल्लाह के बारे में कुछ नहीं समझा है, प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं समझा है, तभी उनको मदरसे का सहारा लेना पड़ रहा है। तो फिर ऐसे लोगों को तो अब अपने आप को घोषित कर देना चाहिए कि वो चिटिंग बाज मुसलमान है जो अपने बच्चों को वो दीनी तालीम नहीं दे पा रहे और मदरसे के चक्कर में लगे हुए हैं। आज तक हमने भारत में नहीं देखा समीर कि कोई भी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन रोड पर आता है और कहता है कि मुसलमान बेटियों को शिक्षित किया जाए और एक कोटा दिया जाए कि वो बड़े बड़े पदों पर बैठ सके माइनॉरिटी के हिसाब से, क्योंकि हम सेकेंड मेजोरिटी में अब भारत में हो चुके हैं मुसलमान, लेकिन हिजाब पहनाने के लिए चले आते हैं, लुंगी डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से इनकी मानसिकता समझ में आती है, यहाँ से इनकी मानसिकता समझ में आती है कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। यहाँ से इनका इनके इनका जो गिरगिट वाला जो रंग है वो समझ में आता है कि आप मुसलमान बेटियों की शिक्षा पर कभी भी लुंगी डांस नहीं करते, पर उसको हिजाब पहनाने के लिए आप लुंगी डांस करने लगते हैं। अपनी गलतियों को मुसलमान पुरुष जिस दिन समझने लगेगा और अपने हाथ से जो वो पाप करते चले जा रहे हैं, जो गुनाह करते चले जा रहे हैं, उसको जिस दिन समझने लगेगा, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। द फोर्थ थिंग इज समीर कि आज आप 3 साल से, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मेरी आंखों में आंसू आ गया कि आप 3 साल से अपनी बेटी से नहीं मिले, मुझे बहुत बुरा लगा। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों, क्यों कर रहे हैं वो आपके साथ ऐसा, या वो किसी भी एक्स मुस्लिम के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आपकी अपनी अथॉरिटी है, ये आपका अपना पसंद है कि आप किसी रिलीजन को माने या ना माने, लेकिन हाँ साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि अगर आप किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं तो आप उसको इंसल्ट या बेइज्जत भी नहीं कर सकते। और इसी जंग और इसी लड़ाई से को लेकर के मैं हमेशा चर्चे में रहती हूँ और ट्रोल भी होती रहती हूँ
क्योंकि ये मेरा ही निकाला हुआ था कि अगर कोई कहे कि गुस्सा के रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, तो सनातनियो तुम भी कहो कि अपमाने राम की एक ही सजा सरधड़ से जुदा, तुम भी कहो, कहना चाहिए। क्योंकि समीर मुझे लगता है कि हम अपने इस्लाम के सारी बातों को बिल्कुल आंख बंद करके सारे मुसलमान मानते हैं। हमें एक बुर्राक घोड़े के लिए बताया गया, हमने उसको माना। तलवार से चांद के दो टुकड़े किए गए, हमने उसको माना और मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। शहादत की उंगली से पहाड़ को रोक दिया गया, हमने उसको माना। हजरत नूह अलैहि सलाम ने मतलब ऐसी कश्ती बनाई कि सारे चीजों से, वो बहुत सारे पानी से, मैं उतना डिप में नहीं जा रही हूँ अभी, तो वो बिल्कुल वो पार निकल गए। सारी चीजें मैं मानने को तैयार हूँ क्योंकि वो मेरा इस्लाम है, वो मेरे इस्लाम की खूबसूरती है। लेकिन अब आप दूसरी, ऑन दी अदर हैंड, अब यही मुसलमान अपनी अपनी इन तमाम मिरेकल्स को, इन तमाम करिश्मे को मानने को तैयार है, लेकिन हनुमान जी ने सूरज निकला था ये मानने को तैयार नहीं है। फिर वो गालियां देने लगते हैं सनातनियों को, क्यों गाली देते हो? जब हमारे प्रॉफिट तलवार से चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं, तो हनुमान जी भी सूरज निकल ही सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं, क्यों नहीं निकल सकते? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी मुसलमान अपने आप को जंगजू बना चुके हैं, अपने आप को जिहादी बना रहे हैं, अपने आप को आतंकी बना रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। अभी अभी भी वक्त है, संभल जाना चाहिए और संभलने की जरूरत है। आज ही मेरे पास, जैसे ही मैं चैम्बर कोर्ट से एंटर की हूँ, एक ज्योति नाम की लड़की ने मुझे फोन किया है, मैं पूरा नाम रिवील नहीं करूंगी, और वो रो रही थी कि एक कश्मीरी मुसलमान ने उसके साथ शादी किया और अब वो भाग गया, वो दूसरी शादी कर रहा है। ज्योति जो है वो हिंदू है। मैं ज्योति को ही झाड़ी हूं, मैंने ज्योति को ही डांटा है। मैंने कहा तुमको, तुम लोगों को पसंद कैसे आ जाता है मुसलमान मर्द? भाई मुझे तो यही नहीं समझ में आता, जो मुसलमान मर्द आराम से अपने हम कलमा बेटियों को बेआबरू कर करके तीन तलाक देकर निकाल देता है, वो मुसलमान मर्द जिसके बारे में तुम लोग सब कुछ जानते हो, फिर भी तुम लोगों को पसंद आ जाता है, कैसे पसंद आ जाता है भाई? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। तो गलतियां कहीं ना कहीं सनातन धर्म की बेटियों से भी तो हो रही है। वो तो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है। नासर खान ने बलात्कार किया पश्चिम बंगाल में, और एक रेनाउंड रेपिस्ट है वो, पूरी दुनिया उसको जानती है पार्क स्ट्रीट रेप गैंग रेप के बारे में, और उसकी शादी में मौलवी मुल्ला चले जाते हैं शेरवानी पहन करके। मुसलमान महिलाएं जाती हैं, खातून जाती हैं शादियों में बिरयानी खाने के लिए, एक बलात्कारी की शादी में अपनी बेटी को सजा धजा करके लेकर के जाती है, और जानती है, न्यूज में चला है, नेशनल इंटरनेशनल सारे न्यूज में चला है कि नासिर खान कादर खान बलात्कारी है, पर नासिर खान की शादी क्योंकि वो फाइव स्टार होटल में हो रही है, तो मुसलमान चले जाते हैं उसकी शादी का बिरयानी खाने के लिए। तब मुसलमान को इस्लाम याद नहीं आता है, तब कतई याद नहीं आता है मुसलमानों को इस्लाम। जब आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां करके 35 बोटी कर करके उसको फ्रिज में रखता है, उसके साथ कई सालों सेक्सुअल रिलेशन करता है, तब वो श्रद्धा काफिर नहीं होती है, तब मुसलमानों को बुरा नहीं लगता है। आप इनकी पार्शियलिटी देखिए, ये कभी भी मुसलमान बलात्कारी के अगेंस्ट में फतवा नहीं जारी करते हैं, ये मुसलमान मर्डरर के अगेंस्ट में फतवा नहीं जारी करते हैं। जो मुसलमान छोटी छोटी 4 साल 5 साल की बच्चियों का ब्लेड से वर्जाइना काट करके बलात्कार करता है, मैंने उठाया है गोद में उस बच्ची को गोद में मैंने उठाया है कि 5 साल की बच्ची थी, वर्जाइना ब्लेड से काट दिया था मुसलमान ने, और उसका बलात्कार करके उसको जोड़ा साकू थाना के पास ऐसे ही छोड़ दिया था नाले में, रात के 3:30 या 2:40 के वक्त में मैं जाकर के उसको गोद में उठा करके मैंने मेडिकल हॉस्पिटल कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में मैंने एडमिट करवाया। अब वो बच्ची ठीक है, दुरुस्त है। तो इसके लिए ऐसे मुसलमानों के लिए ये फतवा नहीं जारी करते हैं। आप इस पार्शियलिटी को पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा, और भारत के मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि आप पार्शियल हैं, आप पार्शियलिटी करते हैं, आप मुसलमान औरतों को गालियां देते हैं, आप सारे धर्म की औरतों को गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो क्या आपको इस बात का इस्लाम ने अनुमति दिया है कि आप गंदी गंदी गालियां दें औरतों को, महिलाओं को? हो सकता है, मुझे पब डिस्को नहीं पसंद है, एक वक्त था जब बहुत पसंद था, लेकिन एक वक्त आया कि मुझे नफरत होने लगी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आने लगा। तो अब मैं एक बंदूक लेकर के घुस जाऊं और मैं कहूं कि कोई नहीं आएगा पब में, कोई डिस्को में नहीं आएगा, ये कैसी बात है? जिसको पसंद है वो जा सकता है, जिसको पसंद है वो नहीं जा सकता है। लेकिन मुसलमानों के नेचर में ये चीज है कि अगर कोई चीज उसको नहीं पसंद है तो वो सबको इनकार करना पड़ेगा कि सबको पसंद नहीं है।
दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर वाकई में ये मुसलमान जिस मुंह से आयते पढ़ते हैं, जिस मुंह से कुरान पढ़ते हैं, जिस मुंह से हदीयत पढ़ते हैं, जिस मुंह से सही अल बुखारी पढ़ते हैं, जिस मुंह से बहिश्ती ज़ेबर पढ़ते हैं, जिस मुंह से आयते और सूरतें पढ़ते हैं, उसी मुंह से आप माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हो, कौन से मुसलमान हो आप? कौन से मुसलमान हो? क्यों किसी पर आप उंगली उठा रहे हो? क्यों किसी पर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो? क्यों किसी को आप डिक्टेटरशिप के अंडर रख रहे हो जब आप खुद दुरुस्त नहीं हो, आप खुद सही नहीं हो? पहले आप सही हो करके दिखाओ ना, तो हमें भी शर्म आएगा, कर ये तो बहुत अच्छा मुसलमान है, ये तो पक्का मुसलमान है। आप गंदी गंदी गालियां बोलते हो, गंदी गंदी गालियां लिखते हो। आप मेरे, मुझे आज ही एक लड़के ने लिखा है मेरे ट्विटर पर जाकर के देखिएगा और मेटा पर, कि तेरा होटल वाला पॉर्न वीडियो वायरल करे क्या? मैंने उसमें लिखा है, मैंने उसको रिप्लाई दिया है कि हाँ प्लीज सोशल साइट पे ही वायरल करो, मैं चाहती हूँ, मैं तुमको परमिशन दे रही हूँ कि मेरा होटल वाला पॉर्न वीडियो तुम सोशल साइट पर ही वायरल करो। अब वो सारे मैसेजेस उसने डिलीट कर दिए क्योंकि मैंने उसमें पुलिस को टैग कर दिया था। सिर्फ मैंने पुलिस को टैग किया था उसके मैसेज में और वो गायब हो गया। उसने तुरंत मुझे ब्लॉक कर दिया, सारे मैसेजेस उसने मुझे मेरे डिलीट कर दिए। तो कैरेक्टर असैसिनेशन करके मुसलमान पुरुष अपने आप को बहुत ऊंचा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या हमने क्या अल कुरान में बीबी मरियम के हवाले से नहीं पढ़ा है क्या? हमने तो पढ़ा है, हम तो जानते हैं बीबी खदीजा के बारे में, हमने नहीं पढ़ा क्या कुरान में? बिल्कुल पढ़ा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल क्यों नहीं है ये मौलाना बताते हैं हमें? बीबी खदीजा का एग्जाम्पल दे करके बताना चाहिए, क्यों नहीं बताते हैं? जान बूझ करके छुपाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है समीर कि आप लोगों को अब संवैधानिक तरीके से एक जंग लड़नी चाहिए, अब संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार मांगने चाहिए, अब संवैधानिक तरीके से सर्वोच्च न्यायपालिका को कहना चाहिए कि भाई ये मेरी मर्जी है कि हम किसी रिलेशन को माने या ना माने, इसके लिए मेरा गला काटा जाए, मेरे को परिवार से अलग रहना पड़े, मुझे छुपकर रहना पड़े, दिस इज नॉट गुड। कब तक ये होता रहेगा? एक जीवन के लिए, एक जीवन है आपका, आपकी जिंदगी है जो खूबसूरत हो सकती है, आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। और अभी आप 3 साल से अपनी बेटी से नहीं मिले हैं, कल को वो बेटी 3 साल के बाद तो फिर वो मच्योर होने लगेगी। एक पिता के लिए तो ये बहुत बड़ी मतलब ये तो जुल्म की बात हो रही है, ये तो मुसलमान जुल्म कर रहे हैं जी। अच्छा नाजिया मैम, आपने काफ़ी सारी बातें की हैं और मेरी आदत नहीं है बीच में इंटरप्ट करना, मैं सामने वाले का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ। मैं आपकी मोस्ट ऑफ द बातों से अग्री हूँ, लेकिन आपने दो एग्जांपल इसमें रखे हैं बात करते हुए, एक मेरा एक अपना। आपने कहा है कि जब आप बहुत कम एज में एक्सीडेंटली आपके साथ ऐसा हो गया, तो आपने एक सिंगल मदर की तरह अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग की, आप पेशे से एक लॉयर भी हैं, ओपनली आप अपनी बात को रखती हैं और बहुत फेमस हैं अपनी बात को खुलकर रखने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि जो ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, क्या वो लोग आपको एक रेस्पेक्टिव नज़र से देखते हैं? क्या वो आपके बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन रखते हैं? इवन दो यहाँ पर कुछ सो कॉल्ड मतलब कुछ मुस्लिम्स हैं, जो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर यहीं पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनका नैरेटिव देख लें तो वो देखिए आपके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, क्या वो थिंकिंग रखते हैं आपके बारे में। एक आदमी, क्योंकि आप खुलकर बात कर रही हैं, तो वो आपको मुसलमान ही नहीं मानता है, वो आपको सीधा जो है ना काफिर ही घोषित कर दे रहा है, नजस घोषित कर दे रहा है। ये तो बात रही लोगों के माइंडसेट की और थिंकिंग की। जहां तक आप बात कर रही हैं फिर मेरी, और आप ये कह रही हैं कि मुझे अपनी फैमिली से अलग क्यों किया जाए या मुझे अपना परिवार क्यों छोड़ना पड़े या